ये आप देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर जमजम, लेकिन पानी आ नहीं रहा है, बंद है इसका सप्लाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी आप लाइव देख रहे हैं हरम शरीफ से। ये आप देख सकते हैं 7A बस आ रही है जो कि मेट्रो से आती है और सीधा आपको हरम के पास एक बस स्टॉप है, वहीं पे आपको जो है ये आपको उतारती है। आप सामने देख सकते हैं हरम, और ये बस जो है अभी यहाँ से आदमी को जो है ड्रॉप करके फिर यहाँ से मेट्रो स्टेशन जो है जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। और ये बस का स्टॉप है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये कन्वेंशन होटल है, हिल्टन कन्वेंशन, उसके ही पास जो है इसका स्टॉपेज है। और ये बस अभी फिर वापस निकल गई यहाँ से अपना मेट्रो स्टेशन, देख सकते हैं आप लोग। और चलिए आप लोग को हरम की जो है खूबसूरत जो है व्यू अभी दिखा रहे हैं, ईद के 6 दिन के बाद अभी आप देख सकते हैं हरम शरीफ से लाइव। और अभी आपको उतना भीड़ देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी सारे लोग जो है मदीना चले गए हैं, घर चले गए, ये आप देख सकते हैं टू हरम। और यहाँ से हम हरम में एंट्री करेंगे और आपको भी दिखाएंगे, देख सकते हैं फूड कोर्ट जबल अमर, और हम अभी इंटर कर रहे हैं हरम शरीफ में, माशाल्लाह देख सकते हैं आप लोग। और रात का प्यारी खूबसूरत व्यू मंजर तो अभी आप देख सकते हैं। और रमज़ान के टाइम में मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो चारों तरफ से जो है रास्ता जो है बंद कर दिया जाता था, लेकिन अभी जो है आप कहीं से भी जा सकते हैं, अभी चारों तरफ से जो है फुल्ली ओपन है, ये आप देख सकते हैं। अभी जो है फिर इधर साफ़ सफाई का जो है काम है, स्टार्ट है, चालू है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होके ये जो है पूरी हरम की साफ़ सफाई करते रहते हैं हमेशा। अभी आप देख सकते हैं खाली खाली सब पूरा लग रहा है ना। अभी फिर हज की जो है तैयारी होगी थोड़े दिन के बाद, अभी थोड़ा तो इसी की वजह से अभी जो है लोग बहुत कम दिख रहे हैं आपको। ये आप देख सकते हैं गेट नंबर 66, यहाँ से होके आप भी ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पे जो है एस्केलेटर लगा होता है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ जमजम की जो है पानी रखी हुई है, और बाहर का बंद है, बाहर पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ ये लोग रखे हुए हैं, सिर्फ नमाज के टाइम बाहर रखते हैं, और अभी जो है मिल नहीं रहा है। ऐसे तो हर जगह बना हुआ है जमजम के पानी के लिए, मुझे भी आज पानी चाहिए थे और मैं सुबह में आया था तो हमें जमजम का पानी जो है नहीं मिला। ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा लगा हुआ है, लेकिन इसका सप्लाई जो है बंद कर दिया गया है पानी का, देख सकते हैं आप लोग। नहीं तो अगर इसमें पानी अगर आता तो फिर लंबी लाइन में लोग यहाँ पे खड़े होते थे पानी के लिए। आप देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर जमजम, लेकिन पानी आ नहीं रहा है, बंद है इसका सप्लाई। ये कैसे रास्ते को जो है छोटे छोटे साइडों से ओपन किया गया है, गेट नंबर 74, और यहाँ से हम जो है आपको लेके चल रहे हैं। ये गेट नंबर 79 जहाँ से एंट्री होती है उमरा के लिए, अभी आप देख सकते हैं उतने आपको जो है रश नहीं दिख रही है, लेकिन जमजम का जो है पानी का बोतल भी ये लोग अंदर अभी अलाउड नहीं कर रहे लेके जाना, कैसे भी लोग लेके जा रहे हैं तो अंदर से पानी भर के लेके आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। बाहर कहीं भी पानी ही नहीं मिल रहा है जमजम का, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और एक ये स्क्रीन पे चल रहा है तीन आप बोला, देख सकते हैं आप लोग। ये कुछ ग्रुप वाले लोग जो अभी जा रहे हैं उमरा करने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। इधर आप देख सकते हैं इधर माशाल्लाह थोड़ी भीड़ दिख रही है, ये 6 नंबर WC की तरफ, देख सकते हैं आप लोग। इधर कुछ लोग दिख रहे हैं, इधर थोड़ा सा भीड़ दिख रही है आपको, देख सकते हैं। और ये सीधा ये जो है आजाद की तरफ से लोग आ रहे हैं इधर, देख सकते हैं ये सीधा आजाद, और ये दूसरी तरफ का जो है हिजरा मस्जिद, ये हिजरा मस्जिद का रास्ता है, ये 6 नंबर WC के कोने से ये जो है रास्ता है, यहाँ से ये आपको सीधा हिजरा मस्जिद की तरफ चला जाता है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ आपको एक बस स्टॉप मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको नीचे उतरना होगा, ये 6 नंबर WC, और यहाँ से एक रास्ता जो है नीचे गया है, जो कि आपको नीचे टैक्सी वगैरह मिल जाएगी, आपको अगर कहीं भी जाना हो तो टैक्सी के लिए ज़्यादा दूर जाके चल के जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, देख सकते हैं आप लोग। ये एरिया थोड़ा सा भरा भरा सा दिख रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जब रमज़ान ख़त्म होता है ईद के बाद से कुछ इसी तरह होता है, फिर थोड़े टाइम के बाद से फिर जो है लोग फिर उम्रे के लिए आना स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसी तरह से जो है पहले की तरह रश होने लगती है। अभी हाल ही में हुआ, 4-5 दिन हुए इसी की वजह से, देख सकते हैं आप लोग ऐसे
ये नया वाला हरम शरीफ, और ये जो है आप देख सकते हैं गेट नंबर 79 जहाँ से उमरे के लिए एंट्री होती है। और ये एरिया थोड़ा सा कुछ देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं हम आपको लेकर चल रहे हैं अभी नीचे। ये 6 नंबर WC से जो है बाहर निकलते हुए और थोड़ा रोड की साइड का जो है आपको दिखाते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है और रात का जो है टाइम जो है अभी 11 से ज़्यादा हो रहा है। और ये देख सकते हैं इधर लोग आराम कर रहे हैं, इधर लेटे हुए हैं। और बाकी आप देख सकते हैं इधर साइड साइड में लोग भी बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। और ये हरम शरीफ माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है, देख सकते हैं आप लोग। अभी हवा भी चलना स्टार्ट हो गया, ये देख सकते हैं आप लोग। और मैं अभी यहाँ से आ गया रोड पे, ये देख सकते हैं आप लोग कैसे लाइटिंग लगी हुई है खजूरों पे, कितना मस्त लग रहा है ना ग्रीन ग्रीन सा। ये दरअल तवीद होटल है और ठीक उसी का साइड में ये देख सकते हैं आप लोग। और अभी भी रोड थोड़ा सा बिजी दिख रहा है, इसी में ये गाड़ी लेके आ रहे हैं अंदर। ये हम आ गए रोड वाले साइड पे, ये आप लोग देख सकते हैं इधर साइड में पूरा टैक्सी लगी हुई है और पूरा रास्ता जो है देख सकते हैं आप लोग। और ये एक झलक आप देख सकते हैं क्लॉक टावर दरअल तवीद होटल, और ठीक ये देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन जो है लाइटिंग लगा हुआ है। और ये आपका क्लॉक टावर, और ये रास्ता इब्राहिम अल खलील हिजरा मस्जिद की तरफ का है, देख सकते हैं आप लोग।